तो भाई ये है वो कढ़ाई जो 50 साल पुरानी है, जो कि मैं बचपन से खाता हुआ आ रहा हूँ, और इससे पहले मेरे माँ बाप भी खाते थे, अबा अजदाद भी खाते थे, और मुझे लग रहा है मेरे आने वाली नस्ल भी खाएगी। अच्छा जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन शाह, और मेरे साथ मौजूद है गाजी, जो कि हमेशा होते हैं, तो आज के व्लॉग में ही हमारे साथ होंगे। तो भाई कुछ लग रहा है आज कढ़ाई का सीन? हाँ, कढ़ाई का टेस्ट ऑलरेडी भाईजान ने बता ही दिया, लेकिन कढ़ाई के साथ साथ जो एनवायरनमेंट और प्राइस रेंज है वो दोनों ही आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से दिया जाएगा, तो आएँगे और फिर इसके बारे में और टेस्ट का बताएँगे। यार मुझे तो खुशबुओं से है ना दिल ललचा रहा है, बस जल्दी से आ जाए और हम खा के आपको बताएँ कैसी है। मैं यार वही हमारा 50 साल पुराना है, जैसे हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है टेस्ट, वही टेस्ट है। इंशाल्लाह आपको कहीं ऐसा टेस्ट भी मिलेगा, और रेट भी मुनासिब है हमारे और होटलों से। और हमारी कढ़ाई स्पेशल है, वाइट कढ़ाई है, और सब्जी है, मटन सब्जी है विद राइस है, वो खाएं इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं कह रहा हूँ टेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ, टेस्ट के अंदर और रेट के अंदर तो दोनों ही बेहतरीन है ये, और एंड यार कमाल मज़ा आ जाता खा के जब भी खाते। हाँ यार, असल में मुझे बेचैनी से हो रही थी टेस्ट करने का, भूख भी लग रही थोड़ी सी, और बिल्कुल सेम टू सेम वही टेस्ट इन्होंने बरकरार रखा हुआ अपना, क्योंकि हम खाते हुए आ रहे थे। टेस्ट के मामले में बिल्कुल लाजवाब यार, ये लोग तो खा चुके थे, अब मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ और आपको बताता हूँ खाने के बाद। वाह भाई कमाल यार, ट्रेडिशनल जो टेस्ट है ना, जो 50 साल पुराना टेस्ट है वही टेस्ट है, और अगर आपको वही टेस्ट आपको चाहिए हैदराबाद में तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा लाजमी, और ये टेस्ट करनी पड़ेगी। मैंने बड़ा मुझे मतलब ट्रोल करने की कोशिश करी है कि मरे हुए गोश्त की है, ये है वो है, लेकिन यहाँ पर जो सीन है ना वो ये नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे पूरे देने पड़ रहे हैं। और ये निवाला ज़रा आप देखें, एक एक मसाला जो है ना आपको अलग अलग नज़र आएगा, और मतलब खाने से पहले ही जो आपकी भूख है ना वो बिल्कुल तड़प के उठ जाएगी कि यार अब तो अब खाना ही है बस। तो क्वालिटी वाइज भी बेहतरीन है, और टेस्ट वाइज मतलब एक जो जैसे एहसन ने कहा कि ट्रेडिशनल टेस्ट जो बहुत ही कम आपको मिलता है कढ़ाई के अंदर, तो वो ये है कि यहाँ पे आपको मिलेगा, और जब भी हमें कोई ट्रेडिशनल टेस्ट की ज़रूरत है हम सीधे यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जैसे आपको एहसन से बता चुका है, तो रेट के हिसाब से बहुत मुनासिब है, तो एक दफ़ा आप यहाँ पर ज़रूर आएँ अगर आपने इससे पहले कभी ट्राई नहीं करी। वैसे तो हैदराबाद के अंदर मुझे लगता है कि जितने पुराने लोग हैं सबने ट्राई की भी होगी, जो नई जनरेशन अभी आ रही है ना उनमें से बहुत कम लोगों ने शायद ट्राई करी हो, तो एक दफ़ा ज़रूर आप यहाँ पर आएँ। कढ़ाई में आपको जो बोटियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी मिलेंगी, यानी चिकन भी तसल्ली बख्श दिया जाएगा कढ़ाई के अंदर आपको, तो जिन लोगों को शिकायत रहती है कि गोश्त इतना नहीं मिलता, तो वही शिकायत भी दूर हो जाएगी, यानी कि प्रॉपर पैकेज बना के आपको चिकन मिलेगा। तो भाई कर लिया हमने पेट पूजा, और सबसे अच्छी बात है एड्रेस समझा देता हूँ। एड्रेस आपको समझने के लिए आपको पिज़्ज़ा पराठा वाला बारी भाई का ब्लॉग देखना पड़ेगा, और उसके बिल्कुल सामने ये मौजूद है, यानी कि शाह लतीफ़ के बिल्कुल सामने 7 नंबर में ये मौजूद है, मुमताज़ सजी एंड फ्राई सेंटर।